आसाम टी कंपनी स्पेशल इन गोल्ड टी फैमिली मिक्स सैफ्रॉन लीफ ग्रीन टी अवेलेबल एट ऑल स्टोर्स नियर पांच चौरस्ता ओल्ड गंज महबूब नगर। एम ए बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग कलेक्शन अपोजिट सिंडिकेट बैंक न्यू टाउन महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर बल्दिया का इजलास आज मुनक़िद हुआ, जिसमें सैयद सादतुल्लाह हुसैनी फ्लोर लीडर बल्दिया मजलिस ने कई मसाइल उठाए, जिनमें अहम मसला क्लॉक टावर ता ओल्ड हॉस्पिटल तक जाने वाली सड़क की तवासी की गई, जिससे कई कारोबारियां अपने कारोबार से महरूम हो चुके हैं। इनके लिए कोई दूसरी जगह मुख्तास करने की इन्होंने चेयरमैन बल्दिया से पुरजोर अपील की और इन्होंने कहा कि ये कारोबारियां अपना कारोबार इसी मुकाम पर गुज़िश्ता 30 सालों से कर रहे हैं। अचानक रोड तवासी के काम की वजह से इनको कारोबार से महरूम होना पड़ा। इसके अलावा कई दिगर मसाइल भी सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने उठाए। सबसे पहले कई दिनों से म्युनिसिपैलिटी में कॉन्ट्रैक्ट और ओनरशिप सर्टिफिकेट कई जमाने से देते आ रहे थे, लेकिन ये हालिया रजिस्ट्रेशन ऑफिस जब से बंद हो गए थे, जिसको परमिशन नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। उसके बाद जो है यहाँ पर भी जो है ना उसको पाबंदी लगा दी गई। अब्सट्रैक्ट में क्या है, म्युनिसिपैलिटी को अगर परमिशन को जाना है तो टाउन प्लानिंग वाले अब्सट्रैक्ट पूछते हैं, यही ऑफिस में अब्सट्रैक्ट पूछते हैं, यही ऑफिस वाले अब्सट्रैक्ट नहीं देते। ये कौन सा कानून ऐसा करेगा, अब तक समझ में नहीं आया। उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन कमिश्नर साहब, क्योंकि डीएमए से एक जीओ आया उन्होंने बोले, लेकिन अगर वैसा जीओ आया तो हमारे पास भी एक रास्ता है सर, इंफॉर्मेशन एक्ट। अब हम इंफॉर्मेशन एक्ट में डाल के 1985 से अब तक टिल डेट तक कितने लोग ओनरशिप बदले, उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट जो बोलते बोलते उसको वो तो आपको देना पड़ता था। ऐसा खाने के बजाय ऐसा खाना, जब 500 रुपए फीस ले रहे थे अब 10 रुपए में काम हो जाता था। और ओनरशिप को भी था क्या, आप ओनरशिप कौन है ओनर पूछने के लिए, अगर हम इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर डालेंगे तो आपको देना पड़ता। तो ओनरशिप देने के बजाय ऐसा भी दे सकते, लिहाजा उसके ऊपर आप मैनेजर साहब एक नया जीवो लाए, बल्कि मैनेजर साहब जब से आए ये प्रॉब्लम हो रहा। मैनेजर साहब को जो जीवो लाए उसको अगर इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी अगर दे सकते बोले तो वैसा एप्लीकेशन देके हम आपसे जो है कापी लेके हम सबमिट कर देता। पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस कई दिनों से बंद है, कई सालों से लोगों के घर आए था पुराने घर 100 साल से, लेकिन अगर उसको कुछ जरूरत है तो बेचने के लिए जाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, क्योंकि उसके पास परमिशन प्लान नहीं है। 1960 में भी जब परमिशन दिए हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, पुराना ले गया है। तो लिहाजा मेरी आपसे ख्वाहिश है साहब, उसको आप अगर कंसीडर करें अब्सट्रैक्ट और ओनरशिप किए तो बेहतर रहता साहब। आप अगर आप कुछ रूल्स वगैरह नहीं है तो आप एक डीएमए को लिख के भिजाए तो बेहतर रहता साहब म्युनिसिपैलिटी से। और एक साहब हालिया दिनों में क्लॉक टावर में फ्रूट्स के जो मंडिया है 30-40 साल से वो लोग कारोबार कर रहे था, वो लोगों को जो है हटाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग हम जिसको रोजगार नहीं दे सकते उनका रोजगार छीनने का हक भी हमको नहीं है, क्योंकि हमको रोजगार देने का हमको तरीके अख्तियार करना चाहिए, लेकिन छीनने का अख्तियार नहीं है सर। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट जरूरी होना जरूरी है, लेकिन उनको अगर अल्टरनेट जगह दी जाए तो बेहतर रहता। जैसे नटकी नायक जिसके पास ब्रिज है था उसको ओवर ऑल करके उसके ऊपर स्लैब डाल के वो बटिया वाले और छप्पर उसकी दुकान पे कई सालों से कारोबार कर रहे था, वो लोग कई जिंदगियां उस पर गुजर बसर हो रहा था, वो लोगों को अगर नटकी नायक जिसके पास अगर स्लैब डाल के दिए तो एक बेहतर रहता था, मेरा एक सजेशन है था। और एक सब अब ओल्डगंज में जो है रोड डाले बेहतर, आपको मुबारकबाद देता हूँ, और ब्लैक टावर से जो है डीएमए ऑफिस तक रोड डाल रहे बेहतरीन काम है वो। और एक एक जो है मार्केट में डाल दिए, रैतू बाजार की रोड पे डाल दिए, और एक एक रहमानिया तुर्कू कमान से लेके ओल्ड गेट तक बेहतरीन रोड डाले पब्लिक हेल्थ से था। और एक मेरी एक मुतालिबा है साहब, जो रहमानिया ब्रिज है, रहमानिया ब्रिज रहमानिया मस्जिद है, वहां से 5 चौरस्ते से होते हुए न्यू गेट तक एक रोड जाती था, वो भी टाउन में है, अगर वो एक अगर रोड डाल दिए तो पूरा शहर हमारा खूबसूरत होता था। पब्लिक हेल्थ वालों को उसके ऊपर आप एक सजेशन दिए तो बेहतर रहता, क्योंकि हमारे इंजीनियर साहब पब्लिक हेल्थ के थे, लिहाजा मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ एक बार उनको वेरिफिकेशन करे तो बेहतर रहता था। और एक साहब हमारे मुताले में आपने कब्रस्तानों को खोल रखा और कई कब्रस्तानों के काम चल रहे था, एक कब्रस्तान जो है अब हमारे भूतपुर रोड पे है साहब, भगीरथा कॉलोनी आज के अपोजिट है साहब,
उसके उसमें जो है ऑलरेडी रोड वाइंडिंग हो गई और दो तरफ भी रोड डाला गया है साहब, लेकिन वो खबरस्तान का टेंडर भी हो चुका है लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा साहब। उसके ऊपर आप अगर जल्दी तवज्जो दे तो बेहतर होता है, क्योंकि बेहरमती हो रही साहब वहाँ पे, क्योंकि जो जो भी पानी रोड का पानी है पूरा खबरस्तान में जा रहा और नालियों का पानी भी खबरस्तान में जा रहा। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको, कॉन्ट्रैक्टर को आप बात करके जल्द से जल्द अगर काम कराए तो बेहतर रहता साहब। और एक खबरस्तान का काम रुके हुआ है साहब, फलंदर शाह खबरस्तान इससे पहले भी उठाया गया था मेराकुंडी के पास, वो एक खबरस्तान को भी फंड रखना बहुत जरूरी है साहब। वो 100 साल से ज्यादा पुराना खबरस्तान है साहब, उसको भी एक आप आने वाले दिनों में जो है आने वाले काउंसिल में पटना प्रगति के तहत खबरस्तानों को फंड रखा जा रहा है, लिहाजा उसमें भी अगर आपको फंड रखा जाए तो वो बेहतर होगा साहब। और आने वाले दिनों में हमारा शहर तरक्की कर रहा है इसी तरीके से, खबरस्तान और जो है दीगर अहम जो है हिंदू के हमारे खबरस्तान क्रिश्चियंस के भी खबरस्तान हैं उनको भी अगर बेहतर किया गया तो बेहतर। और एक हमारे पास रोड वाइंडिंग रोड क्रिश्चियन के खबरस्तान भी अंदर हो गया था, उसको भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो करे तो बेहतर रहता है बस स्टैंड के पास सब, क्योंकि रोड डालने का हाइट हो गया उसमें पूरा जो है पानी चले जा रहा, उसको अगर कुछ आठ करने का कुछ कर सकते हैं तो उसको करे तो बेहतर रहता था। मुझे जो मौका दिया शुक्रिया खुदा। नाज़रीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स। MS School and Junior College for Girls. Admissions are open near bus stand Siraj Ulum Mehboob Nagar.